रहे हैं, कुछ हम एडवांस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सर किसका एडवांस क्वेश्चन करने जा रहे हैं? एडवांस वाले का जो कि ओवर सब्सक्राइब का। सर ओवर सब्सक्राइब के कुछ एडवांस क्वेश्चन। एडवांस क्या है, बस कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करते जाना है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया चैप्टर खत्म हो जाएगा 3 से 4 दिन में ये। चलिए सर, मैंने इशूड किए 10,000 और हेयर एप्लीकेशन रिसीव है, मैं AR लिख रहा हूं, ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव वो है 15,000 और जो पेबल है 10 रुपये, उस 10 रुपये पेबल को क्या करना है और कैसे करना है। मैं सिंपली 1 रुपये, 2 रुपये और 7 रुपये करना चाह रहा हूँ। 1 रुपये, 2 रुपये और 7 रुपये। चलिए पहली एंट्री, या फिर मैं 2 केस बनाऊंगा इसमें भी। मैं कर देता हूं 3 रुपये, 1 रुपये, ठीक है, और इसको कर देते हैं हम 6 रुपये। पहली एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। चलिए सर बताइए, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए आएंगे एप्लीकेशन रिसीव से? दैट इज आपका 15K मल्टीप्लाई बाय 3, कितने आ गए? 45। सवाल में एक लाइन मैंने लिख दिया एडवांस अमाउंट या एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्ट टूवर्ड्स ऑन अलॉटमेंट, ये लाइन लिखा, एडजस्ट टूवर्ड ऑन अलॉटमेंट, ये लिखा मैंने। अगली एंट्री क्या करेंगे हम? शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल और 2। चलिए सर, शेयर एप्लीकेशन कितने आएंगे? 45। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने आएंगे? हम कितने से कर सकते हैं इसको? 10,000 इंटू में 3, दैट इज 30,000, ठीक है। मैंने आगे करा क्योंकि पैसे एडजस्ट करने कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा, अलॉटमेंट पे मैं टोटल कितना अमाउंट मांग सकता हूं? 10,000 गुणा में, यानी 10,000। पहले ये बात समझ में आया कि अलॉटमेंट पे मैं कितने रुपए मांग सकता हूं, क्योंकि अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 1 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर कितने? 10। मैं बोलूंगा भैया 10,000 के हिसाब से 1। लेकिन यहां एडवांस देखा जाए तो सर एडवांस तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे एडवांस ऑन अलॉटमेंट, अगर मैं यहां पे लिखूं 15,000, तो सर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर अलॉटमेंट पे तो 10 से ज्यादा मांग ही नहीं सकते, और आपके एडवांस कितने आ रहे हैं अलॉटमेंट पे? 15,000 का एडवांस कितना आ रहा है? समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? इसका मतलब सर वेरी वेरी सिंपल, यानी जो ये हमारा है अलॉटमेंट पे एडवांस सारा नहीं जाएगा। अब यहां पे 2 सिचुएशन बनते हैं। नंबर 1 सिचुएशन ये बनता है कि हम बाकी के पैसे उसके रिफंड कर दे जितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं अलॉटमेंट के बाद, या दूसरा उसको हम फर्दर कहां ले जाएं? आगे कॉल के ऊपर। तो मैं यहां पे नोट देके कॉल पे ले जाऊंगा, और यहां पे क्वेश्चन में मैं लिख भी देता हूं एंड बैलेंस ऑन कॉल, ये लिख दिया मैंने वर्डिक। अब देखिए पता है क्या होगा, आप कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन कैसे समझ में आएगा आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा और सोचने का तरीका भी मैं बताऊंगा। तो एडवांस अलॉटमेंट, सर एडवांस अलॉटमेंट कितना होगा? सर हम 1 रुपए से ज्यादा ले ही नहीं सकते, दैट इज 10,000, जबकि हमें 3 रुपए मिला हुआ है। सॉरी मैंने यहाँ ज्यादा लिख दिया, यहाँ लिखेंगे हम एडवांस अलॉटमेंट, सिर्फ लिखेंगे 10,000, इंटू नहीं करना हमें, सिर्फ 10,000। और 2 कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्या होगा हमारा सर, बाकी जो बच गए, यानी तब जाके आप देखो डेबिट क्रेडिट क्या हो पाएगा, टैली हो पाएगा। ध्यान रखना, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये क्यों नहीं आप कॉल्स इन एडवांस सीधा 15,000 रुपये लिख के ख़त्म करें, कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कॉल पे भी चला जाएगा और अलॉटमेंट पे भी चला जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन हमारा आगे थोड़ा सा बिगड़ जाता है, इसलिए मैं अलग अलग करूँगा। सर आपको कैसे पता चला कि ये सिचुएशन होने वाला है? देखो एप्लीकेशन का अमाउंट 3, उसका अगला अमाउंट और डिफरेंस इसके बीच का भी ज़्यादा है, अप्लाई और अलॉटेड का बीच का डिफरेंस भी क्या है। तो जब कभी भी अप्लाई अलॉटेड, मैंने गलत शब्द यूज कर लिया, बाद में बताएंगे, जब एप्लीकेशन रिसीव और ऑफर पब्लिक दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा। सर कितना ज़्यादा? अप्रॉक्स 50%। और एप्लीकेशन का अमाउंट ह्यूज है और उससे आगे वाले का अमाउंट कम है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये पैसा जो है वो अलॉटमेंट तक ना रुक के उससे आगे भी एडवांस चला जाएगा। इसका मतलब सर प्रूफ कर सकते हो क्या? बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। मान लो 10 रुपये में मैं यहाँ पे रखता हूँ कितना, 1 रुपये, और यहाँ पे रखता हूँ मैं 6 रुपये, और यहाँ पे रखता हूँ मैं कितने, 3 रुपये। अब इसकी पहली एंट्री तो यही रहने वाली है सर। सेकंड एंट्री पे आ जाए हम, सेकंड एंट्री क्या होगा हमारा, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगली बात करें तो टू एडवांस ऑन अलॉटमेंट। एक बार मन में सोचो मैं एडवांस कितना ले सकता हूँ इस केस के हिसाब से, तो मन में सोचोगे तो सर हमारे शेयर हैं 10,000 और टोटल पैसा कितना आएगा 6 के हिसाब से, यानी सर 60,000 आ सकते हैं। लेकिन इसका एडवांस बन कितना रहा है सर? एडवांस तो इसने सिर्फ यहाँ के हिसाब से ही दिया होगा, तो 5,000 शेयर ही तो एक्स्ट्रा थे, तो एडवांस बन कितना रहा है 5,000, जबकि अलॉटमेंट पे कॉलिंग कितनी की हो सकती है, 60,000 के। अलॉटमेंट का पैसा कितना लेना चाहिए मुझे, 60,000, और उसके एडवांस कितने बन रहे हैं, 5,000। तो क्या ये एडवांस अलॉटमेंट पे जाएगा 15,000 रुपये, नहीं सॉरी 5,000 रुपये, और बाकी यहाँ पे कितना जाएगा सर, मैंने पहला ही एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे कितने जाएंगे आपके 15,000 और यहाँ पे कितने जाएंगे आपके 10,000। क्या अलॉटमेंट के बाद भी इसका अलॉटमेंट क्या पूरा दे पाएगा या इस पैसे से नहीं दे पाएगा, इसको और भी बाद में देने पड़ेंगे। सर ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों हुआ? यहाँ पे देखो एडवांस के बीच का गैप जो है ज्यादा है, और प्लस यहाँ पे पहला छोटा अमाउंट है और अगला बड़ा अमाउंट है। यानी सर अगर पहला बड़ा अमाउंट हो और अगला छोटा अमाउंट हो और एप्लीकेशन के बीच का डिफरेंस हो, तब ये सिचुएशन हमारे पास आ जाता है कि एडवांस पैसा अलॉटमेंट को भी क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। ये पता लगाने का एक तरीका है सिंपल सा, नहीं तो आपको पूरा कैलकुलेशन करके एक बार देखना होगा। बाद बाकी आप अगर इसमें क्या करते हो, यहाँ पे आपने सीधा कॉल्स एडवांस में सारा पैसा डाल दिया और उसके हिसाब से आगे कर दिया, जनरल एंट्री आपकी पूरी मैच रहेगी, लेकिन एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा वहाँ पे, क्योंकि आप सब पैसे कहाँ एडजस्ट कर दोगे जाके, अलॉटमेंट पे। और अलॉटमेंट पे एक बड़ी दिक्कत भी आ जाएगी, आपका नेगेटिव में आ जाएगा अलॉटमेंट। सोचो मैं यहाँ पूरा अलॉटमेंट कितना डाल दूँ, 15 का डाल दूँ, सोचो एक बार को, और अगली एंट्री करूंगा मैं क्या, शेयर अलॉटमेंट, इस वाले केस के हिसाब से टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना करूंगा 10, और अगली एंट्री करूंगा बैंक में, तो कुछ पैसा ही नहीं है, बल्कि किस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। समझ रहे हो, आप कैलकुलेशन माइंड में करते जाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा मैं इसलिए लेके चल रहा हूं, किसी को डाउट है तो बताइए यहां तक, फिर हम आगे चलें इसको। किसी को डाउट है क्या, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी सर एडवांस का मतलब सिर्फ अलॉटमेंट तक एडवांस नहीं जाता, उससे कहीं आगे भी जा सकता है। अगर मैं इसमें एक लाइन ऐड कर दूं कि बैलेंस अमाउंट शुड बी रिफंडेड, तो यहां पे जहां पे कॉल्स इन एडवांस 5,000 लिखा है, वहां पे हम क्या लिखेंगे, बैंक कर देंगे रिफंड। सर अगली एंट्री कर देता हूं इसका, तो ये पार्ट भी हमारा हो जाएगा खत्म। अगली एंट्री सर, नेक्स्ट एंट्री क्या होगा हमारा, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने होंगे सर, दैट इज 10,000, है ना, क्योंकि रुपया और नंबर ऑफ शेयर 10। अब एप्लीकेशन रिसीव से कुछ भी नहीं होगा, तो ये आ गया हमारा 10,000। और फिर क्या बैंक में कितने पैसे आएंगे बताओ, बैंक टू शेयर कुछ भी नहीं आएगा, ये तो सारा ही एडवांस है ना। तो यहाँ पे अब मैं जो एंट्री करने वाला हूँ देखिए ध्यान से, ऑल्दो आप कोई एंट्री नहीं करो तब भी चलेगा। बैंक कितने पैसे चाहिए थे 10, एडवांस कितने आ गए 10, तो बैंक में कितने आ गए 0। अब एडवांस अलॉटमेंट आ जाएगा, एडवांस अलॉटमेंट कितने आ गए 10 और 2 शेयर अलॉटमेंट पूरे। अब जो बच्चा ऐसा डायरेक्ट कर दो ना, क्यों ऐसा दिमाग इसमें लगा रहे हो, तो उस केस में ना हमारा अलॉटमेंट पूरा का पूरा क्रेडिट यहाँ पे डेबिट यहाँ पे पेंडिंग रह जाता, जो कट नहीं पाता हमारा। अगली एंट्री किसकी करेंगे सर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए सर बताओ, सर 10,000 इंटू में 6 दैट इज 60,000। इसके बाद अगली एंट्री हम क्या करने वाले हैं, बैंक में पैसा। जब हम बैंक में पैसा लेने जाएंगे तो बैंक में पूरे पैसे थोड़ी ना आएंगे, 60,000 और जो एडवांस है वो माइनस हो जाएगा, तो एडवांस कितना है यहाँ पे 5,000। मैं इसलिए इसको सेपरेट कर रहा हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में ना इजी रहे। ये वाला अलॉटमेंट पे चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा हमारा, अगले पे चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 5,000 माइनस करते ही आपका 55,000 रुपये, और कॉल्स इन एडवांस कितने 5,000 और 2 शेयर फाइनल कॉल। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ एडवांस ऑन अलॉटमेंट लिखा है तो यहाँ पे भी आपको लिखना होगा एडवांस ऑन अलॉटमेंट। अगर यहाँ पे आपने लिखा है अलॉटमेंट एडवांस, जो भी यहाँ शब्द लिखोगे वही वहाँ लिखना होगा आपको, तभी कैंसिल आउट होता है टेक्निकली। बाकी पेपर के पर्पज से एग्जामिनर जाने दे सकता है कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने यहाँ लिखा क्या, एडवांस ऑन अलॉटमेंट, यहाँ पे लिख दिया अलॉटमेंट ऑन एडवांस, तो दोनों अकाउंट अलग अलग है। यहाँ पे आप अगर ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो राम का अलग अकाउंट बनता है और रामा का अलग अकाउंट बनता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर मैं कॉल से अलॉटमेंट एडवांस कर दूं, एडवांस अलॉटमेंट, दोनों शब्द अलग हो जाएगा और दोनों का लेजर अलग हो जाएगा और लास्ट में मैच नहीं होगा वहां पे। तो इसलिए इसका ध्यान रखें टेक्निकली कि आप ऐसे, बाकी आप एग्जाम में कर भी देते ना एडवांस या एडवांस अलॉटमेंट तो एग्जामिनर इग्नोर कर देता है, चलता है। तो यहां तक बताइए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, बताइए कोई डाउट, क्लियर है यहां तक।